So in today's session, we'll be introducing conic sections, right? Conic sections क्या होते हैं, right? इसके बिल्कुल basic जो understanding है, right? जिसके basis पे तुम पूरे conic section को starting from parabola to ellipse to hyperbola, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. पहले भी हमने जो दो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, दैट इज़ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल्स, ये भी एक्चुअली कॉनिक सेक्शन के ही पार्ट होते हैं. ठीक है, तो इसका हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस आज की लाइव क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं. राइट, ध्यान से देखिए क्या होता है. कॉनिक सेक्शन पहले बनता कैसे है. एक एक्सिस होती है, राइट, लेट्स से दिस इज द एक्सिस. ठीक है, और इस एक्सिस के अराउंड जो है एक हम लोग कोई एक रोटेशन टाइप की इस तरह की कोई चीज़ लेते हैं और इसके अराउंड जो है इसको ऐसे मूव कर देते हैं. ठीक है, दिस इज़ फिक्स्ड, दिस वाइट लाइन इज फिक्स्ड, और इस पॉइंट के अराउंड इसको हम ऐसे रोटेट करते हैं. ठीक है, अगर ऐसे रोटेट करोगे तो क्या होगा, इमेजिन करके देखो. दिस विल बी रोटेटेड, क्या होगा, कुछ इस तरह का 3D स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार होगा, राइट, जो कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, इस 3D स्ट्रक्चर को मैथमेटिक्स में डबल नैप्ड कोन कहते हैं, क्योंकि इसके दो नैप हैं, है ना. जनरली जो कोन हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक मेंसुरेशन में, वो सिंगल नैप्ड कोन होता है. ठीक है, आपको पता है हाफ ऑफ द कोन वहाँ पे आप पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डबल नैप्ड कोन. ठीक है, तो ये ऐसा कोन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम लोग कोनिक कहते हैं, और इसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिससे कि ये सारी चीज़ें बनती हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तभी इसको कोनिक सेक्शन कहा जाता है, बिकॉज दे आर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ कोन. ये सारी चीज़ें एक प्लेन से बनती हैं, राइट, कहीं से भी अगर मैं प्लेन कहीं से इंसर्ट करूँ तो अलग अलग चीज़ें होती हैं. मैंने कुछ डायग्राम्स कलेक्ट किए हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स. देखो यहाँ से थोड़ी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी. ये डबल नैप कोन है, राइट, अगर मैं इसमें प्लेन इस डायरेक्शन में इंसर्ट करूँ, ये एक प्लेन है, ये जो ब्लू फिगर है प्लेन है, अगर मैं इस डायरेक्शन में इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये जो डायग्राम निकल के आ रहा है इस प्लेन के ऊपर, दिस इज पैराबोला, राइट, दिस इज योर पैराबोला. अगर इसी प्लेन को मैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इंसर्ट करूँगा तो क्या बनेगा मेरे पास, सर्कल बनेगा. और ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका एंगल चेंज कर दूंगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल से थोड़ा भी एंगल चेंज हो रहा है तो ये क्या बन रहा है मेरे पास, एलिप्स बन रहा है. ठीक है, अगर मैं कोई प्लेन यहाँ साइड से ऐसे इंसर्ट करता हूँ तो ये जो डायग्राम बनती है ये क्या होती है, हाइपरबोला होती है. ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन तुम्हारे पास यहाँ पे एक्चुअली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आते हैं, राइट, दिस इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं, कोनिक सेक्शन से निकल के आती हैं, राइट, ये सब एक डबल नैप कोन से निकल के आती हैं. पैराबोला किस तरीके से निकलता है, सर्कल कहाँ से प्लेन इंसर्ट करते हो तो निकलता है, राइट, एक प्लेन इंसर्ट कर देते हैं और उस प्लेन पे जो इस कोन का सेक्शन निकल के आता है, राइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन. तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे थोड़ा बेटर तरीके से रियलाइज कर पा रहे होंगे कि पैराबोला कैसे निकल रहा है, सर्कल कैसे आ रहा है, एलिप्स कैसे है और हाइपरबोला कैसे है. ठीक है बच्चों, राइट, ये सब हम लोग क्या है, हम लोग कैसे देख रहे हैं, ये सब हमारा कोनिक सेक्शन का पार्ट है. और थोड़ा कोनिक सेक्शन में आगे बढ़ते हैं और इस बात को 2D में अगर तुम देखो तो अगर मैं डबल नैप कोन था, राइट, इसको अगर मैं सिंपल प्लेन कोन जो हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक, अगर मैं उसमें कन्वर्ट करूँ, राइट, कोनिक सेक्शंस, तो इसमें देखो यहाँ पे अगर मैंने प्लेन एक इंसर्ट किया तो यहाँ से जो एरिया निकल के आया, जो मेरे पास फिगर निकल के आया, ये क्या है, दिस इज अ सर्कल, राइट. अगर इसको मैंने एक एंगल पे कट किया, राइट, इसको हॉरिजॉन्टल ना रखे, किसी एंगल पे कट किया, तो ये चीज़ क्या निकल जाती है हमारे पास, एलिप्स निकल जाती है. और अगर हम एक वर्टिकल एंगल ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, वर्टिकल एंगल ले रहे हैं, तो ये हमारे पास पैराबोला आता है. और अगर हम एग्जैक्टली एक प्लेन इंसर्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द कोन, तो मेरे पास क्या निकल के आता है, हाइपरबोला. और हाइपरबोला इसीलिए दोनों साइड होता है बिकॉज डबल नैप कोन होता है. ठीक है, ये चीज़ तुम्हें समझनी है. ठीक है, तो पैराबोला तो एक ही निकलता है लेकिन हाइपरबोला हमेशा दो निकलते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज व्हेन यू इंसर्ट अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट, राइट, परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द कोन, तो तुम्हारे पास एक डायग्राम, एक स्ट्रक्चर इधर से निकलता है और दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ से निकलता है. दैट इज द रीजन हाइपरबोला हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान रखेंगे आप. ठीक है, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों पे, बिकॉज वी आर डूइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नथिंग बट ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा, तो सर्टेनली इन सब का हम लोग डिटेल में इक्वेशन भी स्टडी करेंगे, इसके टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, एवरीथिंग विल बी डन इन डिटेल. बट आज हम कोनिक सेक्शन के
बेसिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप इन डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे कि कोन के किस पार्ट से कौन सी चीज रियलाइज होती है। ओके, मूविंग अहेड, एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। इन जनरल जो मेरे पास कोनिक सेक्शन होता है, राइट, जब हम लोग कोनिक सेक्शन कहते हैं, हालांकि मैंने तुम्हें बताया सारी चीज़ें कौन से ही बनती हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सारी चीज़ें कहाँ से बनती हैं बेटा, आपके कोनिक सेक्शन कौन से ही बनती है, डबल नैप कौन से अलग अलग जगह पर प्लेन इंसर्ट करके बनती हैं। तो लेकिन जब आप कोनिक सेक्शन पढ़ते हो ना, तो जनरली आप देखोगे ज़्यादातर बुक्स में कोनिक सेक्शन जब बोलते हैं तो यहाँ पे तीन चीज़ें ही हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पैराबोला, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एलिप्स, और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हाइपरबोला। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें बहुत इजी हैं और बहुत लिमिटेड हमें पढ़ना है, राइट, हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में बहुत लिमिटेड है, राइट। तो हाँ, लेकिन जो भी पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे ताकि कंपटीशन के किसी भी लेवल के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से समझ सकें और सॉल्व कर सकें। ओके, तो पैराबोला है, इलिप्स है या हाइपरबोला है, इन सब में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, राइट। ये सब क्या है, कोनिक सेक्शन के पार्ट है। इन सब में एक फोकस होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स होती है, इसकी एक्सेंट्रिसिटी होती है, दिस कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी, और इसको हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक एक्सिस होता है, एक वर्टेक्स होती है, और एक इसका लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, राइट, ये हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि इन जनरल किसी भी कोनिक सेक्शन के रेफरेंस में ये टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। तो लेट अस लुक इनटू दिस। अगर आप कभी भी कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन देखेंगे बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है, दैट इट इज़ द रेशियो, राइट। हम लोग हमेशा किसी भी डेफिनेशन को ज्योमेट्री में किससे, किसके रेफरेंस में लेते हैं, लोकस के रेशियो, लोकस के टर्मिनोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो विल से इट इज़ द लोकस ऑफ द, इट इज़ द लोकस ऑफ द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक हमारे पास कोई फिक्स्ड पॉइंट होता है, लेट्स से दैट फिक्स्ड पॉइंट इज एस, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, दैट्स अ फिक्स्ड पॉइंट एंड देयर इज अ फिक्स्ड लाइन, राइट। लेट्स से दिस फिक्स्ड लाइन, इसको, इसकी इक्वेशन हम लोग क्या ले लें, सपोज करो इसकी इक्वेशन ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, फिर से बताता हूँ, कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द लोकस ऑफ द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज, राइट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड लाइन। तो लोकस जब कोई भी देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग पी एक्स कॉमा वाई लेते हैं या फिर एच कॉमा के लेते हैं। अगर एच कॉमा के भी लेते हैं तो एट दी एंड इक्वेशन रियलाइज करने के बाद क्या करते हैं, एच को एक्स से रिप्लेस करते हैं और के को वाई से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो यू कैन स्टार्ट विद वाई एज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लोकस है किसका, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से। डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट होता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट्स में तो कोई टेंशन नहीं है, बट स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यानी ये हमारे पास लेट्स से ये कोई पीएम है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में, राइट, क्या बोला गया कि यहाँ पे जो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस हैं वो कॉन्स्टेंट होता है, दैट मीन्स रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, दैट इज कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट रेशियो इज कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी। इसी कॉन्स्टेंट रेशियो को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं, ध्यान रखना। चाहे तुम कोई सा भी डायग्राम कर रहे हो, पैराबोला, कर्व, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी तुम कर रहे हो, राइट, तुम्हें ये वाली चीज़ ध्यान रखोगे, ये जनरल डेफिनेशन है, ये सारे कोनिक सेक्शन पे अप्लाई होता है एवरीवेयर, ठीक है। तो एक्सेंट्रिसिटी को हमने डिफाइन किया और हमने समझा कि क्या होता है, कि ये चीज़ जो है इसका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है, इसकी जो रेशियो है, इसी रेशियो को एक्सेंट्रिसिटी कहा जाता है, और जिसको हम लोग ई से रिप्लेस करते हैं। कई लोग इसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं, बट माई ओपिनियन इज द करेक्ट प्रोनंसिएशन इज एक्सेंट्रिसिटी। हालांकि मैथमेटिक्स को प्रोनंसिएशन से बहुत लेना देना नहीं है, बट इफ़ यू कैन बी करेक्ट, आई थिंक देयर इज नो हार्म। ओके, तो ये बात हमें समझ में आई, राइट। हमने एक्सेंट्रिसिटी को सबसे पहले समझा कि ये रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज है, कहाँ से कहाँ तक का, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना बच्चों, इसी को फोकस कहा जाता है, इसी फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और ये जो फिक्स लाइन है, इसी को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो टर्मिनोलॉजीज में हमें कोनिक सेक्शन हम पहले ही समझ चुके थे, उसकी बेसिक डेफिनेशन भी हमने समझ ली,
फोकस समझ में आ गया कि वो जो फिक्स पॉइंट है जिसके बारे में डेफिनेशन में कहा गया है, उसी फिक्स पॉइंट का नाम क्या दिया गया, फोकस। और जो फिक्स लाइन की बात की गई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है बच्चों, राइट, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोकस, व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स एंड व्हाट इज एक्सेंट्रिसिटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्सिस। ये एक्सिस क्या होता है, राइट, व्हाट इज दिस एक्सिस। तो एक्सिस तुम्हें ये बात समझनी है कि एक्सिस जो है एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस से क्रॉस होती है। ध्यान से सुनना, एक्सिस इज अ लाइन। और ये डेफिनेशन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सभी के लिए ट्रू है, फॉर एवरीवन, सबके लिए। ठीक है, तो एक्सिस इज व्हाट, एक्सिस इज अ लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से पास करेगी, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस। ठीक है, मैं तुम्हें हर चीज़ को समझा रहा हूँ, अदरवाइज डेफिनेशन देना बहुत ईजी था, मैं यहाँ पे टाइप करके दे देता और रीड कर देता। ठीक है, तो व्हाट इज एक्सिस, एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड इट हैज टू पास थ्रू द फोकस, कंपल्सरली फोकस से पास करना उसका जरूरी है। मतलब ये कि यूनिक स्ट्रेट लाइन है, ये बात हमें समझ में आती है। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास क्या, ये रहा मेरे पास किसी भी कॉनिक सेक्शन का एक्सिस, ये होगा फोकस से क्रॉस करेगा और वो डायरेक्ट्रिक्स के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, वर्टेक्स, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां से कोई भी कनेक्शन जब तुम ड्रॉ करते हो, राइट, कोई भी कनेक्शन जब तुम ड्रॉ करते हो तो वो एक्सिस के ऊपर होता है। एक्चुअली दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड द कर्व। ये भाई अब ये लोकस है तो कहीं ना कहीं तो इसको मिलेगा ना, कहीं से तो क्रॉस करेगा, कैसा कुछ तो कर्व होगा, राइट, पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा, इलिप्स है तो कुछ ऐसा होगा या फिर कुछ ऐसा होगा, हाइपरबोला है तो कुछ ऐसा होगा, कैसा भी होगा, राइट, एट द एंड ये एक्सिस से क्रॉस तो करेगा ना। तो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस विद द कॉनिक सेक्शन, राइट। व्हाट इज वर्टेक्स, वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉनिक सेक्शन विद द एक्सिस। ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। I hope you are understanding all this and you are making a note of that. ठीक है, point of intersection, because ये basic understanding अगर अच्छी होती है तो बढ़िया से बढ़िया चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, तभी मैं बिल्कुल जो most basic चीज़ है connection में, मैं उसी को आज discuss कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो point of intersection ये हमने बताया, right, point of intersection होता है और किसके साथ होता है, axis और conic के बीच में। कोनिक आपको पता है, जो भी हमारे पास कोनिक है, चाहे वो पैराबोला है, चाहे एलिप्स है या हाइपरबोला है, कुछ भी है, राइट, तो कोनिक और एक्सिस के बीच का जो इंटरसेक्शन होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, जिसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। नेक्स्ट चीज मुझे दिख रही है क्या, लेटेस्ट रेक्टम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और लेटेस्ट रेक्टम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक कर्व प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पैराबोला तुम में से कुछ लोगों ने देखा होगा, अभी हम लोग इसको डिराइव भी करेंगे जब तुम यहाँ से देखोगे, और तो मैं चलो इसको समझाता हूँ। जैसे कि P और S के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ कहीं पे शिफ्ट करूँगा, राइट, अगर मैं यहाँ कहीं पे शिफ्ट करूँगा, है ना, समवेयर है, तो ये डिस्टेंस होगा, राइट, और इनके बीच का ये डिस्टेंस होगा, ये रेशियो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। और मैं तुम्हें बताऊँ कि पैराबोला के केस में जो एक्सेंट्रिसिटी होती है वो 1 होती है, यानी जो ये रेशियो होता है ये 1 होती है, यानी क्या समझ में आता है, द डिस्टेंस विल बी इक्वल। तो ये जो लोकस है ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट होता है, राइट, कुछ इस तरीके से शिफ्ट होता है। ठीक है, यहाँ से ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे बच्चों, है ना, दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, जितना डिस्टेंस यहाँ ऊपर था उतना ही डिस्टेंस यहाँ नीचे होगा। तो इस तरीके से अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ, राइट, ये जो मैं पॉइंट्स अभी प्लॉट कर पा रहा हूँ, दीज आर द पॉइंट्स, राइट, एक रफ डायग्राम मैं तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जब मैं इन सबको ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास जो डायग्राम आएगा ये क्या आएगा बच्चों, दिस विल बी पैराबोला एज पर द डेफिनेशन, राइट, कुछ इस तरीके से। बहुत परफेक्ट टाइप तो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड कि पैराबोला का डायग्राम ऐसा क्यों होता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो चीज़ बनी तुम्हारे पास, ऑब्वियसली बात है, हमने अभी अभी पढ़ा था क्या, कि एक्सिस और कोनिक का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो ये पॉइंट क्या होगा मेरे पास, दिस इज द वर्टेक्स, ये जो हमारा कोनिक और एक्सिस जहाँ पे मिल रहा है, दिस इज द वर्टेक्स। ये क्या है तुम्हारे पास, फोकस। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे पास, एस पॉइंट कौन सा था, फोकस। अब कॉर्ड तो तुम लोग जानते हो ना, बचपन से तुम लोग कॉर्ड पढ़ रहे हो, कि अगर कोई भी सर्कल है, अगर उसके अंदर मैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन टच कर रहा हूँ
जो कि उसको दो जगह पे मीट कर रही है, तो उसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। डायमीटर इज़ दी लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये बेसिक बातें आप जानते हैं। तो कॉर्ड सिर्फ सर्कल में नहीं होता, किसी भी कर्व में हो सकता है। मैं किसी भी कर्व में अगर ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ जो उसको दो जगह पे मीट करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कॉर्ड बोलते हैं। दिस कॉल्ड अ कॉर्ड, ये एक कॉर्ड है जो मैंने अभी बनाया। ऐसी अगर मैं कोई कॉर्ड यहाँ से बनाऊँ तो ये भी कॉर्ड है भाई। कोई कॉर्ड ऐसा भी हो सकता है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो उसको दो जगह पे मीट कर रही है कर्व को, वो क्या है, दैट इज़ अ कॉर्ड। कोई भी कॉर्ड अगर फोकस से क्रॉस करती है, फोकस से, तो उसको हम लोग फोकल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, कोई भी कॉर्ड अगर फोकस से क्रॉस करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड कहते हैं। तो फोकल कॉर्ड तो बहुत सारी हो सकती है। आपको पता है कि दे कैन बी इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो हम लोग ऐसे कितनी भी स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं, वी कैन ड्रॉ इनफिनाइट नंबर ऑफ फोकल कॉर्ड्स। बट यस, अगर मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसा फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और यू कैन से विच इज पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स, एक ही बात है ना। एक ऐसा फोकल कॉर्ड विच इज इधर पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स और इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये जो कॉर्ड होती है ना, ये जो कॉर्ड होती है जो यहाँ से क्रॉस कर रही है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ तुम दो तीन टर्मिनोलॉजीज अगर ध्यान से सीख लोगे तो बड़ा अच्छा होगा। कई सारे कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस में इन टर्मिनोलॉजीज का आप यूज डायरेक्टली देखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स अभी बोले, मैंने पहले तो बोला तुमसे कॉर्ड, ठीक, फिर मैंने तुमसे कहा फोकल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, फोकल कॉर्ड, FOCAL, फोकल कॉर्ड। ठीक है, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, ये सारी बातें तुम्हें समझनी है, और लास्ट में मैं कहूँगा लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, समझनी है, राइट, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर चाहो तो अपने बाद में रिवाइज़ करने के लिए लिख ज़रूर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लिख लेते हैं तो अच्छा रहता है, बिकॉज अपने नोट से रिविज़न जल्दी होता है। ठीक है, तो आप ज़रूर से अपने पास डायग्राम के साथ प्रॉपर्ली लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट। इतना बेसिक तरीके से शायद मैं जब आगे बढ़ूंगा तो इतना बेसिक मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ ये सब आपको आता है। ठीक है, व्हेन आई मूव अहेड विद कॉनिक सेक्शन, तो आई अज्यूम कि ये बेसिक बातें आपको आती हैं। ठीक है, तो देखो, कॉर्ड तो आपको पता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो किसी भी कर्व को दो जगह पे टच कर रही है वो कॉर्ड है। तो भैया कॉर्ड तो इतने सारे हो गए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें यार बहुत ज़्यादा घिचपिचा हो गया है, इसको मैं थोड़ा ना ये साफ कर दूँ। चलो रहने दो, डेट्स ओके, राइट, साफ करूँगा तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी, टर्मिनोलॉजीज भी गैप हो जाएंगी, लेट इट बी देयर। ओके, अब उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारे पास फोकल कॉर्ड है, ये भी समझ में आ गया। कोई भी ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दो जगह टच करेगी लेकिन वो फोकस से क्रॉस करेगी, ऐसे भी बहुत सारे होंगे। अब अगला टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल ऑर्डिनेट। ये डबल ऑर्डिनेट क्या है, डबल ऑर्डिनेट भी एक कॉर्ड ही होता है बच्चों, दिस इज अ कॉर्ड। बट ये जो कॉर्ड होता है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है, ध्यान रखना। डबल ऑर्डिनेट वर्ड अगर तुम किसी भी क्वेश्चन में पढ़ोगे तो तुम ध्यान रखना, एक ऐसा कॉर्ड होगा विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज अगर तुम्हें आती है तब तो तुम क्वेश्चन करोगे। अब डबल बोला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट, और आप पूछ रहे भाई डबल ऑर्डिनेट है क्या, तो प्रॉब्लम वाली बात है भाई। तो आपको पता होना चाहिए डबल ऑर्डिनेट क्या, डबल ऑर्डिनेट इज व्हाट, डबल ऑर्डिनेट इज अ कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। मतलब ये जितने भी कॉर्ड जो ये एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, ये सब के सब क्या है बच्चों, ये सब के सब हमारे पास डबल ऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम हमने अभी अभी पढ़ा कि लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसा फोकल कॉर्ड है जो इसके परपेंडिकुलर है, यानी मैं लेटेस्ट रेक्टम को क्या बोल सकता हूँ, इट इज वन ऑफ द स्पेशल केसेस ऑफ अ डबल ऑर्डिनेट, राइट। लेटेस्ट रेक्टम इज ऑल्सो वॉट, इट इज अ डबल ऑर्डिनेट विच पासेज थ्रू द फोकस, राइट। डबल ऑर्डिनेट कहीं से भी क्रॉस कर सकता है, फोकल कॉर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये जो लेटेस्ट रेक्टम है ये एक ऐसा फोकल कॉर्ड है जो डबल ऑर्डिनेट है, तुम इस बात को ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, राइट। लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट है जो फोकल कॉर्ड भी है, या फिर ये कह लो कि ये ऐसा फोकल कॉर्ड है जो डबल ऑर्डिनेट भी है। इज इट ओके चिल्ड्रेन, डू यू अंडरस्टैंड दीज टर्मिनोलॉजीज, इफ येस राइट WOW इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी से लिखो। बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स में कहीं भी कोई भी चीज़ हमें परेशान ना करे। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट बेसिक थिंग्स ऑफ दिस टॉपिक, क्लियर है, दैट्स गुड। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ेंगे, लेट अस मूव अहेड एंड लेट सी व्हाट लाइज अहेड। इन सारी बातों को हमें आज समझना है, देखना है और फिर अप्लाई करना है। थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी की करूँगा, राइट। मैंने अभी अभी ये बात आपसे की कि
पैराबोला के केस में एक्सेंट्रिसिटी की तुम बेसिक डेफिनेशन समझ चुके हो, अगर एस इज द पॉइंट ऑफ द फिक्स पॉइंट विच इज द फोकस एंड पी एम इज द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन यानी कि जो डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसी रेशियो को हम लोग एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी। फॉर द केस ऑफ पैराबोला दैट इज इक्वल, राइट, अगेन दीज आर फैक्ट्स, ठीक है, दीज आर वॉट फैक्ट्स, ये फैक्ट्स हैं, राइट, मैं इसको प्रूव नहीं कर पाऊंगा, ये फैक्ट्स हैं बिकॉज इसी बेसिक डेफिनेशन के बेसिस पे इनका नाम दिया गया है। वेन एवर द रेशियो इज इक्वल दिस इज अ पैराबोला एंड हेंस द एक्सेंट्रिसिटी इज वन। वेन एवर इट इज लेस देन वन वी गेट अ कोनिक विच इज इलिप्स, ठीक है, अगर एक्सेंट्रिसिटी लेस देन वन है तो हमें कौन सा कोनिक मिलता है, इलिप्स मिलती है, यानी उस केस में जो डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन है दैट इज ऑलवेज लार्जर, ये बात समझने की है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन व्हाट वी हैव द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, ठीक है, व्हेन इट इज ग्रेटर देन वन देन दिस इज द केस ऑफ हाइपरबोला, दिस इज द केस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, ये हमारा हाइपरबोला हो जाता है। और जब एक्सेंट्रिसिटी जीरो होती है तो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ सर्कल, ठीक है, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ सर्कल, एक्सेंट्रिसिटी जीरो किस डायग्राम के लिए होती है, सर्कल के लिए होती है, ठीक है। ये सारी बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम जैसे जैसे इसकी इक्वेशंस बनाएंगे तो इन सारी बातों को तुम जस्टिफाई भी कर पाओगे, ठीक है। आई होप यू हैव टेकन इट डाउन एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी फॉर एलिप्स इज ऑलवेज लेस देन वन। अब एक चीज़ भी तुम्हें यहाँ पे, ये चीज़ तो आई एम श्योर तुम्हें क्लियर होगी, हालांकि मैंने बताई नहीं है अभी तक, क्या कि एक्सेंट्रिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये बात तो तुम्हें क्लियर है ना भाई, क्यों, बिकॉज इट इज द डिस्टेंस, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज, सो इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। हाँ, ये कहते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि इस केस में अगर ये जीरो हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द फोकस इफ इट इज जीरो, तो ये जीरो हो सकता है, लेकिन क्या कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, राइट, कभी भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव होती है, नहीं, प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है बच्चों, प्रोबेबिलिटी भी एक रेशियो होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, राइट, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये भी कभी निगेटिव नहीं होती बिकॉज ये सब रेशियो हैं, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव नंबर्स के रेशियो हैं। अब ये डिस्टेंसेस का रेशियो है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, तो दो डिस्टेंसेस का रेशियो कैसे निगेटिव हो जाएगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे, एक्सेंट्रिसिटी की ये वाली चीज़ तो आपको ध्यान रहेगी ही रहेगी, बट हाँ, इतना कॉमन सेंस आई एम श्योर आप सबके पास है कि एक्सेंट्रिसिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। भाई इन द वर्स्ट केस क्या होगा कि वो जीरो हो जाएगा, ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड द कर्व विल बिकम जीरो एंड दैट इज द स्पेशल केस ऑफ व्हाट, सर एलिप्स में तो कम हो रहा, क्या बोल रहे हो बेटा, सर एलिप्स में तो लेस देन वन है, लेस देन वन है बट हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा इन जनरल, ये अलग अलग केसेस हैं दैट इज देयर, बट ये आपका जनरल है, कभी भी एक्सेंट्रिसिटी रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस है इट कैन नेवर गो लेस देन जीरो, राइट, इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो कौन सा, ये सारी बातें तुम्हें यहाँ से समझ में आएंगी और ध्यान भी रहेंगी, मेरी बातें क्लियरली समझ में आ रही हैं आप सभी को, ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक सेक्शन। आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं तुम्हारे साथ जो बातें कर रहा हूँ ये तुम्हें पूरे कोनिक सेक्शन के बारे में एक बेसिक आइडिया देगी। नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग पैराबोला की बात करने वाले हैं, इसमें हम लोग सिर्फ कोनिक सेक्शन का एक जनरल अंडरस्टैंड डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट द जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखना, राइट, तो देखो आओ इसको डिस्कस करते हैं, डिराइव करते हैं, समझते हैं। अभी तक इस स्टेज पे आपको क्या पता है, ये जनरल इक्वेशन आपने कभी पढ़ी है क्या, हाँ पढ़ी है, किसके लिए पढ़ी थी, सर्कल के लिए पढ़ी, याद करो तुमने पढ़ रखी है, कुछ ऐसा पढ़ा था तुमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, वी स्टडीड इट, राइट, वी स्टडीड इट, तुम्हें याद होगा कि ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मिला करते थे, प्रूव दैट जेड विल रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ जेड विल रिप्रेजेंट अ सर्कल, द लोकस ऑफ जेड विल रिप्रेजेंट एन एलिप्स, नाउ दिस इज द स्टेज व्हेन यू विल डेवलप द कॉन्फिडेंस एंड द नॉलेज व्हेन यू विल डील विद दोस कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन एज वेल स्पेशली फ्रॉम कॉम्पिटिशंस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक्स। ये सारे टॉपिक मैं तुम्हें बता दूँ, चाहे तुम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ट्वेल्थ में जब तुम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे, राइट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ोगे, 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे क्लास 12th के बोर्ड में,
ठीक है, तो कोनिक सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत आसान है, मैं ये बात तुमसे 10 बार बोल चुका हूँ, बहुत आसान है, ठीक है, बिकॉज बहुत लिमिटेड है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बहुत लिमिटेड है, राइट, इसमें डिफिकल्टी इसमें ज़्यादा नहीं आती, किसी भी एग्जाम में इसमें डिफिकल्टी ज़्यादा नहीं आती है, दैट इज़ द गुड साइड ऑफ अबाउट दिस कोनिक सेक्शन, ठीक है, बट हाँ क्योंकि टर्मिनोलॉजीज नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से उसको देखना पड़ता है, और एक अच्छा सा रिविजन कर लो तो चीज़ें ध्यान रहती हैं और क्वेश्चन भी हम ईजिली कर पाते हैं, ठीक है। तो आओ अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हमने ये सर्कल की बात कर रखी थी जनरल इक्वेशन के बारे में, अब हम जनरल इक्वेशन सब की बात कर रहे हैं, विल टॉक अबाउट सर्कल, विल टॉक अबाउट स्ट्रेट कनेक्शन, तो मैंने तुम्हें बता दिया कनेक्शन में सब कुछ आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे एक क्वेश्चन मरण ने पूछा भी था कुछ दिन पहले, मुझे ध्यान आ रहा है, मरण या अर्पित, आई डोंट नो, किसी ने पूछा था, राइट, तो हमने वहाँ भी देखा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे होते हैं, तो उस क्वेश्चन में भी तुम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाओगे जो मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सर्कल में भी अप्लाई होगा, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सब जगह पे अप्लाई होगा, पूरे कोनिक सेक्शन में ही अप्लाई होने जा रहा है, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखेंगे, आप ये अभी तक पढ़ चुके हैं और इसके आगे अब आप इससे भी ज़्यादा जनरलाइज चीज़ अभी यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आओ चलो देखते हैं, वील ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन जो हमें पता है, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत बहुत बेसिक डेफिनेशन से करेंगे, जैसे हमें क्या पता है, हमें पता है कि कोनिक सेक्शन जो होता है वो हमेशा एक रेशियो होता है, फिक्स पॉइंट जिसको मैं एस मान लेता हूँ, ठीक है, अल्फा बीटा कह देते हैं, और एक फिक्स लाइन, ये फिक्स लाइन यहाँ कहीं पे ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से द फिक्स लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, साथ साथ करते चले जाना, ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। कोनिक सेक्शन इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं किसी पैराबोला या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल अभी सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ पी, जिसके लिए मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं इसकी इक्वेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसका लोकस कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम है एज पर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द फिक्स लाइन, ये फिक्स लाइन मेरे पास पी एम है, और इस पॉइंट को आप अगर चाहें तो इन जनरल एच कॉमा के कह सकते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग कोई भी लोकस लेते हैं तो एच कॉमा के या फिर एक्स कॉमा वाई भी कह देते हैं, बट हाँ जनरली आप देखेंगे एच कॉमा के से स्टार्ट करके और लास्ट में फिर क्या करते हैं, एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो आइए लेट अस मूव अहेड विद दिस और इसको देखते हैं, स्टडी करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि पी एस ओवर पी एम इज इक्वल टू द एक्सेंट्रिसिटी, राइट, दैट इज इक्वल टू द एक्सेंट्रिसिटी। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर वन। नाउ व्हाट डू वी नो अबाउट पी एस, क्या हमें पी एस का डिस्टेंस देखना आता है, आता है भाई, दो पॉइंट हैं इसके बीच का डिस्टेंस देखना तो हमें बचपन से आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दिस इज एच माइनस अल्फा होल स्क्वायर एंड के माइनस बीटा होल स्क्वायर, कौन सी बड़ी बात बता दी आपने सर, ये तो बड़ी छोटी सी बात है, अच्छा वेरी गुड। क्या हमें पी एम का डिस्टेंस देखना आता है, अरे बिल्कुल आता है, कैसी बात कर रहे हो सर आप, ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ स्ट्रेट लाइन, ये भी हमने पढ़ रखा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, क्या पढ़ा था हमने, राइट, हमने पढ़ा था कि ये हम लोग यहाँ पे अगर ये अल्फा कोमा बीटा से डिस्टेंस देख रहे हैं तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी का मॉडुलस डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ से देखेंगे, एच कोमा के से देखेंगे, तो एक्स की जगह पे एच रखेंगे और वाई की जगह पे के रखेंगे, तो डिस्टेंस पी एम भी हमें देखना आता है, वंडरफुल यार, तुम्हें तो सब कुछ आता है, कमाल हो गया। ए एच प्लस बी के प्लस सी का मॉडुलस, बिकॉज डिस्टेंस है इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉडुलस लेते हैं, डिवाइड बाई क्या लेंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बातें हमें आती हैं, राइट, हम इतनी बातें तो हम सीख के आए हैं, वी ऑलरेडी नो इट, दैट मीन्स वी आर वेरी क्लोज टू डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ एनी कोनिक सेक्शन, राइट। लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ पी एस एंड पी एम, आई डू सम मैनिपुलेशन इन इक्वेशन नंबर वन विच आई एम प्रिटी श्योर यू वोंट माइंड, क्योंकि ये अंडर रूट में है और यहाँ मॉडुलस है, तो ये मॉडुलस और अंडर रूट को हटाने के लिए मैं इसको स्क्वायर करना चाहता हूँ, दैट मीन्स पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ ताकि मैं इसको, एक तो रेशियो से थोड़ा सा ईजी हो जाएगा जब दूसरी तरफ ले लेंगे तो, है ना, और कहीं ना कहीं ये स्क्वायर रूट और मॉडुलस सारी चीज़ें हट जाएंगी, बिकॉज मॉडुलस होता है तो फिर हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं, जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव पॉजिटिव बोथ द थिंग्स बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है, और ये अंडर रूट वाली चीज़ भी, सारी चीज़ें मतलब ईजी हो जा रही हैं, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पर ये वैल्यूज रखता हूँ बच्चों, देखो एल एच एस कितना हो जाएगा बताओ, एल एच एस हो जाएगा तुम्हारे पास एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और पी एम का स्क्वायर, तो ये रहा पी एम तुम्हारे पास,
पीएम है तुम्हारे पास एएच प्लस बीके प्लस सी. मैंने मॉडुलस हटा दिया क्योंकि होल स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर अगेन द अंडर रूट विल बी गॉन एंड वी आई विल बी गेटिंग व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दैट इज द एक्सप्रेशन दैट आई एम गेटिंग एंड आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि जब मेरे पास कोई लोकस आ जाता है. देखो ई भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो तुम्हें अलग अलग कोनिक्शन के बारे में दे रखी होगी. फॉर पैराबोला इट इज वन, राइट? फॉर हाइपरबोला, फॉर एलिप्स दैट विल बी गिवन टू यू. वो तुम्हें दिया हुआ होगा, पहले से दिया होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट? वो दिया हुआ होगा. तो एक्सेंट्रिसिटी भी तुम्हें पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी, तो अगर इक्वेशन पता है तो हमें वो भी पता है. दैट मीन्स नाउ एट दिस स्टेज यू आर इन अ स्टेट टू रिप्लेस एच बाई एक्स एंड के बाई वाई. ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, आप अपने नोटबुक में इसको नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं. एच की जगह पे मैं एक्स रख दे रहा हूँ, और इसकी जगह पे के की जगह पे मैं वाई रख रहा हूँ. आई डू डैट एवरीवेयर. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस इक्वेशन कहते हैं, है ना? दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. तो कोनिक सेक्शन का हमने एक जनरल इक्वेशन कैलकुलेट करा है, राइट? ये इक्वेशन क्या बता रहा है हमें? ये इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर मेरे पास एक डायरेक्ट्रिक्स है, राइट? और यहाँ पे मेरे पास ये जो है एस अल्फा कॉमा बीटा, अगर ये मेरे पास फोकस है, फिक्स पॉइंट है, तो कोनेक्शन की हमेशा ये इक्वेशन होगी. डिपेंडिंग अपॉन ई विल फाइंड डिफरेंट वैल्यूज, राइट? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं तुम्हें ये रिलेट करूँगा कि तुमने ऐसे ही जो जब तुमने इक्वेशन ऑफ सर्कल आइडेंटिफाई किया था तो तुम्हारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आई थी. मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, हमारे पास आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. कुछ ऐसी इक्वेशन तुम्हारे पास आई थी बच्चों, राइट? यहाँ पे एक्चुअली में हमने ओरिजिनली जब देखा था तो हमने एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से इसको रिलेट किया था. और अगर तुम्हें ध्यान है तो वहाँ से फिर हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा था, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं. लुकिंग एट द कंडीशन मुझे समझ में आता है कि एक्स का यहाँ कोई कोफिशिएंट हो सकता है. यहाँ पे तो एक्स का कोफिशिएंट हमेशा वन होता है. वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन होता है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट वन होता है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ हो सकता है. ई भी इधर नीचे आ सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में जा सकता है. सिमिलरली वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ हो सकता है. अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जानता हूँ तो मुझे पता है कि वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए, राइट? आई होप यू नो डैट, राइट? तो यहाँ पे जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो मुझे एक्स वाई वाला टर्म भी मिलेगा, एक्स वाला टर्म भी मिलेगा, वाई वाला टर्म भी मिलेगा, कॉन्स्टेंट भी मिलने जा रहा है. और यहाँ पे भी मुझे एक्स वाई और कॉन्स्टेंट मिलने जा रहा है. यानी जब मैं इसको ओपन करूँगा और मैं इसमें एक जनरल इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करूँगा तो मुझे कैसा एक्सप्रेशन मिलेगा, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. अगर तुमने इसे नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू राइट द जनरल इक्वेशन फॉर एनी कोनिक सेक्शन. किसी भी कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन क्या होगा इसको मैं यहाँ पे आपके सामने लिखने जा रहा हूँ. ध्यान से देखिए, द जनरल इक्वेशन ऑफ एनी कोनिक सेक्शन इज ऑलवेज टेकन एज ए एक्स स्क्वायर. हमेशा इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में. जैसे एक्स स्क्वायर पहले लेंगे, फिर वाई स्क्वायर लेंगे, उसके बाद एक्स वाई वाला टर्म लेंगे, तो इसको लिखते हैं टू एच एक्स वाई, ठीक है? उसके बाद अब हमने देखो एक्स और वाई के सारे जो टू डिग्री टर्म थे, बिकॉज सारे टू डिग्री टर्म होंगे, थ्री अब मतलब टू डिग्री होगा, वन डिग्री होगा और कांस्टेंट होगा, तो टू डिग्री के इतने ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए. अब वन डिग्री पे आते हैं, राइट? तो अब यहाँ पे तो वही आपका जो सर्कल में था बाकी चीज़ें वही एज इट इज आ जाएंगी. क्या? ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? अब देखो सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ कोनिक सेक्शन, तो वहाँ पे ए और बी की वैल्यू बराबर थी और एच की वैल्यू जीरो थी. आई होप आपको ध्यान में होगा. देखिए यहाँ फॉर्चुनेटली लिखा भी है, अभी हमने लिखा भी है, ठीक है? तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट द जनरल इक्वेशन ऑफ एनी कोनिक सेक्शन. अब ध्यान से कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं जिसको हम एक एक करके ग्रेजुअली आगे डिराइव भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे. कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं जो मैं लिखने जा रहा हूँ, अब आप उसको नोट करने जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे एक हम लोग डेल्टा एलिमेंट डिफाइन करते हैं. क्या डिफाइन करते हैं बच्चों? डेल्टा एलिमेंट. ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इन कोफिशियंट से निकल के आता है. एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट, एक्स वाई का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पहले स्टडी किया था सर्कल में, ठीक उसी तरीके से. ये डेल्टा क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. इस डेल्टा की डेफिनेशन होती है ए बी सी, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इंटू वाई स्क्वायर का कोफिशियंट इंटू कॉन्स्टेंट, ठीक है? प्लस टू
एफ जी एच प्लस क्या 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ हम लोग करने जा रहे हैं, जो हम लोग एक्सेंट्रिसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इक्वेशन देख करके बता दोगे, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्कल है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, तुम इक्वेशन देख करके बता दोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अगर तुमने इस बात को समझ लिया और ध्यान रखा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट केस लेते हैं, व्हेनेवर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, अगर इसकी वैल्यू मेरे पास जीरो आ जाती है तो जो जनरल इक्वेशन है ना, सारी बातें हम इसी जनरल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे बेटा, ये जो हमने यहाँ डिराइव किया है, ठीक है, जो हमने निकाला है, तो दिस जनरल इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, दिस विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मनन अर्पित, जो भी क्वेश्चन वो स्ट्रेट लाइंस वाला था, आज तुम उसको रिविजिट करना और देखना क्या सेम इक्वेशन जो है क्या उसमें ये चीज जीरो आ रही है, तुम आइडेंटिफाई करोगे वो जीरो आएगी, ठीक है, जरूर से। देखो जो भी चीज पढ़ते हो, जब तुम उसको अप्लाई करते हो ना, तभी तुम एक्चुअली उसको सीखते हो, सिर्फ तुम उसका थ्योरी थ्योरी पढ़ के तुम कभी उसको ध्यान मतलब परमानेंटली याद नहीं रख सकते, जब तुम उसको अप्लाई करते हो, एग्जांपल्स करते हो, तभी सीखते हो। तो जो चीज़ें हमने कर रखी हैं, नाउ इट्स टाइम व्हेन आई हैव लर्न समथिंग, अब नाउ आई विल गेट बैक टू द सेम क्वेश्चन, आई विल सी अच्छा अप्लाई हो रहा है कि नहीं, मतलब हम सिर्फ इक्वेशन देख के बता देंगे हाँ भैया ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बहुत बढ़िया शाबाश। अब अगर डेल्टा जीरो के बराबर नहीं है, सर्कल से ही शुरू कर लेते हैं जो हमें आता है, राइट, अगर डेल्टा जीरो के बराबर नहीं है और ए बी के इक्वल है, ये बात तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होना कंपलसरी है सर्कल के लिए, एंड इसमें एक कंडीशन और भी है, क्या कि जो एक्स वाई वाला टर्म है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि एच का जो कोफिशिएंट है, ये जो एच का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, एच के लिए क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए कंपलसरी। तो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्कल, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, सिर्फ इक्वेशन देख के तुम ये चीजें आइडेंटिफाई कर लोगे, ओके। नेक्स्ट, अगर मेरे पास डेल्टा की वैल्यू अगेन से जीरो नहीं है, जीरो है तो फिर तो एक ही चीज है भाई, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और अब मेरे पास एच स्क्वायर और ए बी में कॉम्बिनेशन है, क्या कि जो एच स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी जो एक्स वाई के कोफिशियंट का हाफ है वो जो है वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के मल्टीपल के कोफिशिएंट के मल्टीपल के बराबर है। इफ दिस इज द केस, इफ दिस इज द केस, देन दिस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, दिस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। मूविंग ऑन, इफ यू मूव ऑन अहेड एंड इफ डेल्टा इज अगेन नॉट इक्वल टू जीरो एंड यू हैव एच स्क्वायर विच इज लेस देन ए बी, राइट, then this would represent an ellipse, this would represent an ellipse, and the final case when you have delta not equal to zero and you have h square is greater than ab, then that represents a hyperbola। हालांकि एक चीज़ और भी होती है कॉम्पिटिशन्स में जिसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, हालांकि बोर्ड्स में नहीं है, कॉम्पिटिशन में है, लेकिन हाँ उसको भी देख लेते हैं, राइट, थोड़ा सा, अरे ये क्या कर दिया मैंने, राइट, थोड़ा सा उसको दो मिनट टाइम लगेगा, बट आइए उसको भी हम अनटच क्यों करें, है ना, एटलीस्ट तुम्हें पहचान में तो आना चाहिए ना, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग थोड़ा जगह स्पेस क्रिएट करके और देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जनरल इक्वेशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। इस पॉइंट को भी मैं देख लेता हूँ, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ क्योंकि ये आपके बोर्ड में कहीं से भी कहीं तक नहीं है, ठीक है, लेकिन एच क्या है, एच इज द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई टर्म, ये देखो एक्स वाई टर्म का कोफिशिएंट क्या है, टू एच है, जैसे जी क्या था, दैट इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उस तरीके से एच क्या है, दैट इज द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई टर्म, ठीक है, इज इट फाइन सर, नहीं समझ नहीं आया, तुम्हें जी समझ में आ रहा है, व्हाट इज जी, यस व्हाट इज जी बताओ सर, मतलब जो एक सर्कल की इक्वेशन में डालते थे, नहीं नहीं सर्कल नहीं, इन जनरल किसी भी कोनिक सेक्शन, ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन है इसमें जी क्या है, दैट इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यस और नो, यस
सिमिलरली व्हाट इज एच, इट इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, जो एक्स वाई वाला टर्म होगा उसका हाफ है। अगर मेरे पास 4xy आ रहा है किसी टर्म में तो एच कितना है, 2 है, सिंपल। ओके सर, ओके, दैट्स वेरी सिंपल एंड प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसकी क्या कंडीशन होती है। तो अगर तुम्हारे पास डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो तो होना ही चाहिए, और जो पैराबोला की कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, यानी एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी। एंड वन मोर थिंग, दैट ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, देन दिस इज द केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है बच्चों, दैट इज द केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें रिलेट कर सकते हैं एक्सेंट्रिसिटी से। जैसे यहाँ पे देखो, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल याद करो कितना था, जीरो। रिलेट करोगे ज़्यादा आसानी से चीज़ों को ध्यान रख पाओगे। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला पैराबोला कितना था, वन। ध्यान से देखो, कुछ रिलेट हो पा रहा है। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स कितना था, लेस देन वन। ध्यान से देखो, लेस देन का साइन है। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना था, ग्रेटर देन वन। ध्यान से देखो, ग्रेटर देन वन, क्वाइट ऑब्वियस। हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए भी एक्सेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन वन हो जाएगा। सो विद दिस आई होप यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉनिक सेक्शन। इफ येस, जस्ट टाइप येस इन द कमेंट बॉक्स।